सोनभद्र जिला प्रशासन में कोरोना वायरस के मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि सूचना मिली कि दुग्धी तहसील क्षेत्र के झारो कला गाँव के मंगरदाहा टोला के तीन युवक, जिन्हें बुधवार को जौनपुर के जिस क्वारंटाइन सेंटर से छोड़ा गया था, वहां के एक जमाती की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिस पर जिला प्रशासन ने तीनों युवकों को जिला अस्पताल के कोरोना वार्ड में भर्ती करा दिया है। इसके साथ ही सदर तहसील क्षेत्र के कोन थाना क्षेत्र के गिधिया व हर्रा गांव में आए 8 युवकों को भी जिला अस्पताल भेज दिया गया है। यह सभी 11 लोग जौनपुर में अबू मोहम्मद ITI कॉलेज सुखीपुर के शेल्टर होम में 14 दिन तक रखे गए थे। यहां तबलीगी जमात के एक शख्स की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसकी जानकारी जौनपुर जिला प्रशासन ने पत्र के माध्यम से सोनभद्र जिला प्रशासन को दी है, जिसके बाद जौनपुर से आए सभी 11 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सोनभद्र में दुग्धी तहसील प्रशासन की ओर से आज दोपहर उप जिला अधिकारी सुशील कुमार यादव, CO संजय वर्मा, प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार सिंह, चिकित्सकों की टीम ने के साथ आनन फानन में झारो कला गाँव के मंगदाहा टोला पहुंची। प्रशासन की गाड़ियों को काफिला देखकर गांव के लोग सहम गए। प्रशासन की मौजूदगी में तीनों युवकों के घर पहुंची चिकित्सक टीम ने तीनों युवकों पप्पू राम पुत्र रामावतार, राहुल व राजन दोनों पुत्र जयमंगल की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। चिकित्सक अधीक्षक मनोज एक्का ने बताया कि जांच में तीनों युवकों में कोरोना संदिग्ध के कई लक्षण तो परिलक्षित नहीं हुए, लेकिन एहतियातन तीनों युवकों को जिला अस्पताल आइसोलेशन के लिए भेज दिया गया है। वहीं युवकों के परिजनों सहित गांव में संपर्क में आए दर्जन भर लोगों को प्रशासन ने निजी वाहन से दुग्धी कस्बे से BRDGP कॉलेज में बने क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया है। उधर गांव में आग की भांति यह खबर फैल गई कि गांव में कोरोना के मरीज पाए गए हैं। हालांकि प्रशासन का वाहन बस्ती में ग्रामीणों को समझाने का पुरजोर प्रयास कर रही है। चिकित्सक टीम में डॉक्टर गौरव के साथ अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। मंगरदाहा टोला को 6 स्थानों से लॉक कर दिया गया है। दर्जन भर संपर्क में आए लोगों को एहतियातन क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। वहीं सभी स्थानों पर पुलिस के जवान के साथ सफाई कर्मी तैनात कर दिए गए हैं, तथा संपर्क में आए अन्य लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। वहीं जिला अधिकारी S राजलिंगन ने बताया कि 11 लोग जौनपुर से आए हैं। इन लोगों के साथ 14 दिन तक रुके एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसको लेकर सभी लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कोन थाना क्षेत्र के गिधिया और हर्रा तथा दुग्धी थाना क्षेत्र के झारो कला गांव को सील कर दिया गया है। इन गांवों में किसी के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। सोनभद्र से संवाददाता पंकज सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रामवृक्ष। कौन से गांव का प्रधान है? झारो कला। आज आपके गाँव में कोरोना वायरस के 3 ग्रामीण सस्पेक्टेड सूचना मिली थी, पाई गई थी, क्या मामला था? वो दरअसल में वो है, वो हरियाणा में काम कर रहे थे। हरियाणा से जो है कि दिल्ली आए, दिल्ली से भी जो है जौनपुर में आए, और जौनपुर में इन लोगों को सुरक्षा, वो जो रूटीन नहीं सुरक्षा, एक ITI कॉलेज है वहाँ पर रखा गया था 14 दिन। 14 दिन के बाद उन लोगों को छोड़ा गया और वो चले आए। आज 2 बजे लगभग भोर में जो है कि वो लोग घर पहुँचे अपने अपने, और इसके बाद सुबह में कोई पता नहीं चला, लेकिन ये वहाँ से ये पता चला जिला से ही कि नहीं, वो 3 जो आए हैं उस ग्रुप के किसी एक व्यक्ति को पॉजिटिव जो है कोरोना हुआ था, इस वजह से इन लोगों को भी जो है कि चिन्हित करके, तो ये हम लोग जो है कि पता चला हम लोगों को, तो तुरंत इन लोगों को जो है अपने घर में रहने का सलाह दिया गया। लेकिन सुबह में कुछ 2-4-10 लोगों से मिले इन लोग, जो उन लोगों के परिवार लोगों को भी दुद्धी भाव राव देवरस में जो है कि भेजा जा रहा है क्वारंटाइन सेंटर में। और तीनों को जो है कि जिले में, वो 3 जो लड़के आए थे, राहुल, राजन और पप्पू, ये तीनों को जो है कि जिले में भेजा गया, और जिले में उन लोगों का कोरोना। कितने लोगों को क्वारंटाइन सेंटर दुद्धी में भेजा गया है, और एहतियातन के तौर में 19 या 20 लोगों को दुद्धी। गाँव में आपकी क्या व्यवस्था की गई है एहतियात के तौर पर? यहाँ पर जो है कि बैरियर 6-7 लगा के दिया गया है, जहाँ पर कोई भी यहाँ इस गांव में ना आ सके। इक्का साहब, ये क्या है इस गांव में मामला?
गांव का मामला है कि एक जौनपुर में कहीं क्वारंटाइन किए गए थे किसी स्कूल या कॉलेज पे जी, तो वहाँ का आजकल एक किसी का पॉजिटिव आ गया जी। उसी क्वारंटाइन सेंटर में तीनों लोग को भी क्वारंटाइन किया गया था, उनका कंप्लीट हो गया जी। उनको आज सुबह ये लोग वहाँ पे यहाँ छोड़ दिया गया है। कौन से गाँव में आए हैं? दुबई के झारो, झारो में। तो क्या हो रहा है सर? तो उनको एहतियात के तौर पे उनको जांच के लिए भेज दिया गया, जिला अस्पताल भेजा गया, जिला अस्पताल। और उनके परिजनों को कैसे परिजनों को क्वारंटाइन के लिए रखा गया है जी। तो लगभग कितने लोग क्वारंटाइन में हैं, होम क्वारंटाइन? अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी चल ही रही है, देख लेते हैं। कुछ लोग इधर उधर हैं जी, कंप्लीट आ जाए तभी उसका एग्जैक्ट नंबर। इन तीनों युवकों में आज जांच हुई, तो क्या क्या जांच हुई यहाँ पे? कहाँ पे? यहाँ पे नॉर्मल स्कैनिंग किया गया और फिर फर्दर जाँच के लिए जिले के लिए कोई लक्षण मिला कि नहीं? कोई लक्षण नहीं है, सब नॉर्मल है। झारो ग्राम में 3 कोरोना संदिग्ध मिलने की सूचना मिल रही है सर, क्या एहतियात में क्या कार्य किया जा रहा है आपके द्वारा? दुधी तहसील के झारो कला गांव में 3 लोग जौनपुर से क्वारंटाइन सेंटर से 14 दिन समय पूर्ण करके आए थे, क्योंकि जिस सेंटर में ये थे वहां पर एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, इसलिए एहतियातन इनको पुनः क्वारंटाइन करके जिले पर भेज दिया गया है और गाँव को सील कर दिया गया है जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आती। उनके परिवार वालों के साथ? परिवार को भी हम क्वारंटाइन कर रहे हैं। आगे का क्या सर रणनीति रहेगा रिपोर्ट आने पर? मैं जिलाधिकारी बोल रहा हूँ, साथ में पुलिस अधीक्षक महोदय हैं। आज एक सूचना मिली जिसमें 11 लोग जो सोनभद्र के निवासी हैं वो जौनपुर में क्वारंटाइन फैसिलिटी में थे, वो यहाँ पे आए थे। वहाँ की प्रशासन द्वारा ये सूचना हमें आज दिया गया, क्योंकि वहाँ एक केस पॉजिटिव निकला, इसको लेकर हम लोग ने इन सबको भी यहाँ पे जो हेल्थ फैसिलिटी है वहाँ पे क्वारंटाइन कर दिया गया। और क्योंकि ये सस्पेक्टेड केस ही है, इसलिए कोई किसी प्रकार की कोई अफवाह ना फैले, इसके साथ साथ इनके जो क्लोज कॉन्टैक्ट के जो घर के लोग हैं उनको भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन पे रख दिया गया। और जो 3 गांव हैं जहां ये लोग मूल निवासी हैं वहां के, इस गांव को भी पूरी तरह सील कर दिया गया। और जो अन्य जो सील जो किया गया उसके बारे में पुलिस अधीक्षक अभी बताएंगे। जो लोगों का जो गांव सील किए गए हैं वहां से किसी का आवागमन नहीं होने दिया जाएगा। वहाँ जो आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई जारी रहेगी, अंदर जाने अंदर केवल प्रशासन, पुलिस और सफाई के कर्मचारी अंदर जा सकेंगे। वहाँ 24 घंटे की जगह भी बताएंगे। जो लोगों का जो गांव सील किए गए हैं वहाँ से किसी का आवागमन नहीं होने दिया जाएगा। वहाँ जो आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई जारी रहेगी, अंदर जाने अंदर केवल प्रशासन, पुलिस और सफाई के कर्मचारी अंदर जा सकेंगे। वहाँ 24 घंटे के लिए पोस्ट लगा दी गई है। और साथ ही जो लोग 11 लोग हमने फैसिलिटी क्वारंटाइन किए हैं उनका स्वैब लेकर के टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.